अब मुझे जरा ये बताइए कि आपके क्षेत्र में, आपके कार्य क्षेत्र में कितने प्रतिशत ब्राह्मण हैं? 7%। राजपूत? 8%। ओबीसी? 28%। डॉक्टर? आए? इंजीनियर? आए? हॉस्पिटल? आए? स्टेडियम? चलिए अच्छा मेडिकल कॉलेज ही बता दीजिए। हो गई बोलती मैं, शर्म आनी चाहिए आप। समाज के लिए जो भी आवश्यक है उनके बारे में इनको पता ही नहीं है, लेकिन जो समाज को तोड़ रहा है उसके बारे में इन्हें बहुत अच्छे से पता है। कैसे नेता हैं आप? आप जैसे नेताओं ने समाज को बांट रखा है, आप जैसे नेताओं ने समाज को तोड़ रखा है। नमस्कार, तोड़ रखे हैं, तोड़ रखे लगा रखा है बे। ये तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे हम। बताइए, तू तो ऐसे इल्जाम लगा रहा है जैसे कि हम ही हथौड़ा लेके समाज को तोड़ने निकले हैं। सुनो, ये जो गर्दन के ऊपर बनाए हो ना, ये कभी गैया के पास लेके मत जाना। क्यों? इसमें भूसा भरा हुआ है, खा जाएगी। और आपने भी जो गर्दन के ऊपर रखा हुआ है ना, इसे कभी पानी में मत डुबोइएगा। काहे? इसमें गोबर भरा हुआ गैस बन जाएगी। बेइज्जती? हाँ जी बेइज्जती, नेता की बेइज्जती। चले जाए का? जाइए बाहर, ईडी वेट कर रही है आप। सुनिए, देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, हम उसके बारे में तसल्ली से बताते हैं। देखिए, क्या है कि हिंदू धर्म के किसी भी किताब में अगर जाति व्यवस्था का वर्णन किया गया हो तो लाके दिखाइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। तब तो छोड़ दीजिए राजनीति आप, क्योंकि मनुस्मृति में इसका वर्णन है। राजनीति तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अचानक से हमारा हाथ छोड़ने का मन हो गया। अबे मनुस्मृति के अंदर वर्ण व्यवस्था लिखी गई है, जाति व्यवस्था नाम का कोई शब्द ही नहीं है। अगर जाति व्यवस्था होती तो आप मुझे खुद बताइए, श्री राम कभी शबरी के जूठे बेर खाते? नहीं खाते। ये अपने चाणक्य, अरे उनमें क्षमता थी राजा बनने की, लेकिन उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। वो चाहते थे खुद बन सकते थे ना? बन सकते थे। बीरबल, जिसका लोहा खुद अकबर मानता था, वो कौन थे? ब्राह्मण थे। उनका असली नाम क्या था? महेश दास। जीवन भर बीरबल ने अकबर के नीचे काम किया, क्योंकि उनके लिए राज से ज्यादा प्रजा प्यारी थी। कुल मिला के द बिग बेंच में बैठ के मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी हिंदुस्तान में महापुरुष हुए, उन्होंने कभी जाति शब्द सुना ही नहीं, उन्होंने सुना तो सिर्फ समाज। तो मुझे ये बताइए नेताजी कि फिर ये जाति आई कब? 19वीं शताब्दी में अंग्रेज ये जाति प्रथा लेकर आए भाई, उससे पहले नहीं था। कमाल की बात देखिए, हमने अंग्रेजों की बात सुन भी ली। इस देश में आज भी हजारों दंगे जाति प्रथा पे होते हैं। सिर्फ बिहार में 20 से ज्यादा दंगे जातिगत भेदभाव की वजह से हुए।